अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफे से होंगे। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत छोटी सी और आसान रेसिपी जो कि सब्जी की है। आजकल मौसम वेदर चेंज हो रहा है तो लोग सब्जी ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग सब्जी नहीं खाते बिल्कुल भी। तो जो लोग नहीं खाते ना, तो आज आप ये रेसिपी फॉलो करिए और घर में बना के खाएं। तो लौकी, कुछ लोग लौकी नहीं खाते, दाल नहीं खाते, तो चने की दाल और लौकी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और आप लोग इसको खाएंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि वाकई में कि आप लोगों को, जो लोग नहीं खाते ना लौकी भी और दाल भी, या लौकी नहीं खाते तो वो सब्जी भूल जाएंगे और बहुत इंजॉय करके खाएंगे। और अगर आप इसके साथ रेड चटनी भी बनाना चाहें अगर तो भी आप, बहुत मज़ेदार बनती है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे बनानी है। और लौकी है, आज मैं चने की दाल और लौकी बनानी चाह रही हूँ। इसमें से तीन चीज़ें जाएंगे, मिर्चें, हल्दी, नमक, और ये चने की दाल है जो मैंने भिगो दी है। इसको आपने भिगो के रखना है, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरा, ये टमाटर, ये हर चीज़ आप लाल प्याज करके ही बनाते हैं। तो प्याज लाल होने पर हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरा। यहाँ मेरे प्याज फ्राई हो गए हैं, मैंने इसके अंदर एक दो हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने प्याज। तो मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, चलो थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैं इसको बाद में इसके अंदर लौकी और दाल ऐड कर दूंगी। टमाटर थोड़ी सी भुनाई करके 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई करनी है बस, फिर मैंने इसके अंदर टमाटर, लौकी और चने की दाल ऐड करनी है। इसका पानी आप निचोड़ लें। बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा आपका। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो सर्दियों में जो मज़ा आता है सब्ज़ी का बहुत ज़बरदस्त, और ये लौकी बहुत ज़बरदस्त चने की दाल के साथ बनती है। आप लोग भी ट्राई करें, चने की दाल के साथ लौकी जो बनती है बहुत ही मज़ेदार होती है। आप लोग जो लौकी नहीं खाते ना वो लोग भी खाएंगे, इतनी मुझे करना है पानी ऐड। क्योंकि चने की दाल को अगर आप उसमें डालेंगे ना ऑयल में तो वो गलेगी नहीं, ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप पानी डालो तो ही आप इसके अंदर चने की दाल ऐड करें, वरना चने की दाल नहीं गलेगी। और मैं अब इसके अंदर, ये वैसे अपना पानी छोड़ेगी लेकिन मुझे दाल की वजह से थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करना ही है, तो बस इसको गलने तक के लिए मेरी वो डालनी है। तो मैंने इतना पानी ऐड किया है, ये मुझे चने की दाल भी गलेगी इसके अंदर और इसके अंदर गल जाएगी दाल भी। तो आपने दाल को और इसको, अब मैंने इसको कवर कर देना है और आंच कर देनी है स्लो। अभी अपनी
गल जाए क्योंकि हमारी गैस चल जाएगी 10 बजे तक, तो मुझे इसको 10 बजे से पहले पहले रेडी करना है। फिर मिलते हैं बाद में आपसे। जी तो ये देखें आप मेरी लौकी और दाल। लौकी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त गल गई है और दाल भी गल गई है। और आप देखें इसका लुक, ये जिस तरह आपको माशाल्लाह से मतलब कि वो नहीं पता चल रहा होगा कि इसके अंदर लौकी लौकी आप इसके अंदर घोट भी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी आप दाल भी वो कर लो क्योंकि दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है। मैंने हल्की सी इसकी बुनाई आप कर ली थी, तो ये देखिए अब ऑयल इसका ऊपर आ गया है तकरीबन। तो अब मैं इसकी गार्निश करने जा रही हूँ, तो क्योंकि ये ओके रेडी हो गई है तो मैं इसकी हल्की सी कर दूंगी। देखें लौकी दाल बहुत मज़ेदार लौकी और दाल रेडी हो गई। जो लोग लौकी नहीं खाते आप उनको भी बना के खिलाएंगे ना तो बहुत शौक से खा लेंगे। ओके मेरी रेसिपी हो गई है रेडी और आप लोगों को पसंद आई होगी ज़रूर, तो आप लोग भी प्लीज़ बना के ट्राई करें और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो मेरी रेसिपी हो गई है ओके और आप लोगों ने देखा है कि बहुत जल्दी और आसानी से ये बन जाएगी और बहुत आपको इतनी ज़्यादा कोई इसके अंदर इतने मसाले वसाले नहीं डलते हैं, बहुत आसानी से ये आप लोगों की रेसिपी तैयार हो जाएगी और बहुत यकीन जाने के बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आप लोग भी प्लीज़ इस तरह बनाएं, और जो लोग नहीं खाते, कुछ लोगों के बच्चे नहीं खाते, तो आप लोग ऐसे खाएंगे तो बनाएंगे तो सब खाएंगे, और अगर पराठे के साथ नान के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, चावल के साथ भी अच्छे लगेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे फीडबैक भी देते रहा करें क्योंकि आप लोग जब फीडबैक देते हो तो हौसला बढ़ता है कि और हम आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और मैं आपको एक दफा लास्ट लुक इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म